हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जिसमें हम बात करेंगे मास्टर्स इन जर्नलिज्म, बैचलर्स इन जर्नलिज्म, LLB, LLM और B.LIB। इतने कोर्सेज के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कशन करने वाले हैं और बाकी के जो भी कोर्सेज बच रहे हैं, जैसे कि जो MSc के कोर्सेज हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, MA के कोर्सेज पर भी वीडियो आ चुकी है। इसके अलावा भी जो कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज बच रहे हैं। आपके बच रहे होंगे अभी M.LIB बचा होगा, इसके बाद में MBA, M.Tech और MCA, M.Ed, M.Com, MSW। इन पर जो है एक और वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये कोर्सेज के लिए अगर आपने अप्लाई करा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखना कि एडमिशन के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले कोर्स की हम बात करेंगे जो है मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम 2022 से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इसके पहले यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती थी। CUET जो है वो लास्ट ईयर से ही यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है। सो वी आर कंपेयरिंग विथ लास्ट ईयर्स कट ऑफ। तो इसका कट ऑफ था UR का 239, EWS 231, OBC 209, SC 176, ST 192। PWD का यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं था, इसलिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और डिफेंस का 215। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, तो आपका MJ का रहेगा UR का 249, EWS 241, OBC 219, SC 186, ST 192, डिफेंस 225 और PWD का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो कट ऑफ है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है। भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी उसमें यही कट ऑफ रहेगा। इसके बाद में जो है धीरे धीरे सेकंड भी होगी काउंसलिंग, थर्ड भी होगी काउंसलिंग, और कई बार जो है सेकंड में ही सारी सीट्स फुल हो जाती है, क्योंकि सीट्स का नंबर काफ़ी कम रहता है। अगर आप जानना चाहते हो कि कितने सीट्स रहती हैं तो आप उसके लिए मेरा ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने सीट्स बताए हुए हैं, तो वो चेक कर सकते हो। अब इसके बाद में जो है यहाँ पर स्पेशल काउंसलिंग भी होती है, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा और डिफेंस कोटा के लिए काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। ये हो गई क्लियर। अब MG के बाद में हम बात करेंगे BG की, यानी बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में भी हम 2022 से कंपैरिजन करते हैं। तो UR का था 250, EWS 238, OBC 218, SC 205, ST 165, PWD 227, डिफेंस 218, ठीक है। तो हम अगर इस साल फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कट ऑफ की बात करें तो वो आपका हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता रही हूँ, UR 260, EWS 248, OBC 228, SC 215, ST 175, डिफेंस 228 और PWD 237। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का बता रही हूँ। इसके बाद सेकंड भी आती है, थर्ड भी आती है अगर सीट्स खाली रह जाते हैं तो, और कट ऑफ भी जो है वो इससे नीचे आता है। तो अगर आपके मार्क्स इन दोनों मार्क्स के बीच में हैं तो आपका एडमिशन पक्का है। हाँ, इससे ज्यादा है तो भी आपका एडमिशन पक्का है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल काउंसलिंग भी होती है जो कि स्पोर्ट्स कोटा और डिफेंस की होती है, वो लास्ट में होती है। सारी सीट्स फुल हो जाती हैं तो फिर अलग से सीट होती है स्पोर्ट्स कोटा के लिए और डिफेंस के लिए, ठीक है। अब B.LIB की बात करें हम, तो B.LIB का भी हम 2022 से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इसके पहले CUET होता ही नहीं था। तो 2022 में UR का आया था 241, EWS 238, OBC 214, SC 178, ST 157, PWD 227, डिफेंस 134, ठीक है। ये रहा था आपका B.LIB का। अब यहाँ पे इस साल 2023 में क्या हो सकता है, UR का 251, EWS 248, OBC 224, SC 188, ST 167, Defense 144 और PWD 237। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ बता रही हूँ। इसके बाद में सेकंड काउंसलिंग भी होती है और थर्ड भी कई बार कंडक्ट कराई जाती है अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो। बाकी सीट्स काफी कम रहती हैं B.LIB में, ठीक है। सीट्स पर मेरे सेपरेट वीडियोज बने हुए हैं तो वो वीडियोज आप देख सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद में एक स्पेशल काउंसलिंग भी होती है जो कि होती है स्पोर्ट्स कोटा और डिफेंस वालों के लिए, उनके लिए सीट्स अलग से रहती है, इसमें इंक्लूडेड नहीं रहती है। इज दैट क्लियर? चलो B.LIB के बाद में हम आ जाते हैं LLB। अब ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, इसमें कंपटीशन बहुत हाई रहता है तो इसका कट ऑफ भी जो है वो काफी हाई जाता है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है फर्स्ट में ही सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो जाती है। सेकेंड या थर्ड के चांसेस तब रहते हैं जब आपका या तो किसी ने एडमिशन कैंसिल करा लिया हो या सीट खाली रह गई हो किसी रीजन से, तो सेकेंड काउंसलिंग होती है। हाँ, वहाँ की स्पेशल काउंसलिंग जरूर होती है क्योंकि डिफेंस कोटा के लिए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए अलग से कराई जाती है। तो चलो हम 2022 से कंपैरिजन करेंगे। तो 2022 में यहाँ पर जो कट ऑफ आया था UR का था 270, EWS 245, OBC 250, SC 209, ST 155, PWD 180 और डिफेंस 223, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस साल हम एक्सपेक्ट करेंगे हाई ही जाएगा, देखो लो कट ऑफ कभी नहीं जाता, ये ध्यान रखना। UR 280, EWS 255, OBC 260, SC 219, ST 165, Defense 233 और PWD 190। बहुत कंपटीशन है LLB में, ये चीज ध्यान रखना। बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं इस कोर्स के लिए क्योंकि ये डिपार्टमेंट बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी का। तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको LLB का कट ऑफ बता दिया। अब LLB के बाद में आते हैं हम LLM पर, ठीक है। LLM जो कि LLB के बाद किया जाता है, LLB मास्टर बैचलर्स, LLB मास्टर्स हो जाता है और ज़्यादा इसमें, तो यहाँ पे भी सीट्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। तो UR का 2022 से हम कंपैरिजन करेंगे इसका भी, और ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। मोस्टली फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सीट भर जाते हैं, फिर अगर कोई एडमिशन कैंसिल कराता है या कुछ रीजन से सीट खाली रहते हैं तो फिर सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग के चांसेस रहते हैं। फिर होती है स्पेशल काउंसलिंग। तो UR का 233, EWS 221, OBC 209, SC 167, ST 127, PWD 225, Defense 144। अब इस साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2023 में? UR 244, EWS 231, OBC 219, SC 177, ST 137, Defense 155 और PWD 235। ये होगा आपका इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर इससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म है, और लेकिन अगर आपके इस 2022 और 2023 के बीच में मार्क्स है तो भी आपका एडमिशन यहाँ पे होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर आज हमने इतने ही कोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया है। अब इसके बाद में जो बाकी ये कोर्सेज बचे हैं उसके बारे में मैं एक और सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको उनके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। बहुत मेहनत लगती है ये सब कट ऑफ ढूंढने में, पूरी लिस्ट चेक करो, क्रॉस चेक करो, उन सब में देखो, उसके बाद में ये लिस्ट प्रिपेयर मैंने की है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल रहा है तो उसको आप लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लेना। Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.